दोस्तों जब आप WhatsApp इंस्टॉल करते हैं तो जो OTP है वो रिसीव नहीं हो रहा है या स्टक हो गया है जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस, तो इसे कैसे सॉल्व करें। इसके साथ साथ देखेंगे जब आप प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दे तो वहां पर भी पेंडिंग दिखा रहा है, इंस्टॉल नहीं हो रहा है आपका एप्लीकेशन, तो इसे कैसे सॉल्व किया जाए। इस वीडियो में ये दो चीजें देखेंगे कैसे इसे सॉल्व किया जाए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों पहले सॉल्व करते हैं प्ले स्टोर रिलेटेड इश्यू का। यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन करके चलिए इंस्टॉल करता हूँ गूगल पे। गूगल पे सर्च करके इंस्टॉल किया तो आप देख सकते हैं ये पेंडिंग दिखा रहा है, इंस्टॉल नहीं हो रहा है। आप जितना भी टाइम रख लो ये इंस्टॉलेशन नहीं स्टार्ट होगा। अगर आपको ये इश्यू आता है तो इसे कैसे सॉल्व करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल डाटा भी ऑन है, मतलब इंटरनेट अवेलेबल है, फिर भी ये पेंडिंग दिखा रहा है। चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करें। इसे सॉल्व करने के लिए आपको मोबाइल का सेटिंग्स के अंदर जाकर वहां पर आपको सेलेक्ट करना चाहिए एप्स। एप्स के अंदर सर्च करें गूगल प्ले स्टोर, उसे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं अंदर एक सेक्शन है स्टोरेज। स्टोरेज आपको क्लिक करना चाहिए और यहाँ पर आपको क्लिक करना चाहिए एक बटन है क्लियर डाटा और क्लियर कैश, ये दोनों बटन आपको क्लिक करना चाहिए। जो कोई भी डाटा अवेलेबल है वो इरेज हो जाएगा और जो कोई भी कैश अवेलेबल है वो सब इरेज हो जाएगा। ये जो स्टेप करने से पॉसिबिलिटी है आपका जो गूगल प्ले स्टोर है उस पर जो कैश अवेलेबल है या कोई भी मिसमैनेज डाटा अवेलेबल है जिसके वजह से आपका अभी का जो इंस्टॉलेशन अटका हुआ है या पेंडिंग है, इसे आप सोल्व कर पाओगे। मोस्ट ऑफ द केसेस ये जो स्टेप सोल्व कर देता है इश्यूज। अगर इससे भी सोल्व नहीं होता एक और स्टेप है जिसे यूज करके अपना प्ले स्टोर का इश्यू आप सोल्व कर सकते हैं। इसके लिए आप अपना प्ले स्टोर ओपन करें। ओपन करने के बाद अपने प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करें और यहाँ पर सेलेक्ट करें सेटिंग्स। प्ले स्टोर का सेटिंग्स के अंदर आप जाते ही एक ऑप्शन है जनरल अकाउंट ऑटो अपडेट एंड प्रेफरेंस, इसे आपको क्लिक करना चाहिए। इसके अंदर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है ऐप डाउनलोड प्रेफरेंस, यहाँ पर सेट है ओवर एनी नेटवर्क आप डाउनलोड करें। इसे हटाकर आपको सेलेक्ट करना चाहिए आस्क मी एवरी टाइम, मतलब जब कभी भी आप इंस्टॉल करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कौन सा नेटवर्क से आपका ऐप इंस्टॉल करें। आस्क मी एवरी टाइम आप सेट करें, उसके बाद आप अपने प्ले स्टोर पर वापस जाकर फिर से अपने एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की कोशिश करें। यहाँ पर गूगल पे में इंस्टॉल करना चाहता हूँ। गूगल पे इंस्टॉल किया तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली ये इंस्टॉल हो रहा है, कोई भी इश्यूज नहीं है। तो दोस्तों ये दो मेथड्स आप ट्राई करके देखिए। पहला है गूगल प्ले स्टोर का डाटा और कैश क्लियर करें और दूसरा है ऐप डाउनलोड प्रेफरेंस, उस पर आप सेट करें आस्क मी एवरी टाइम। दोस्तों इसी तरह जो इश्यू है व्हाट्सएप का OTP नहीं आ रहा है या इंस्टॉलेशन में कोई भी प्रॉब्लम है, ऐसे जो इश्यूज है इसे सॉल्व करने के लिए आपको अपने सेटिंग्स के अंदर जाइए। वहां पर आप सेलेक्ट करें एप्स, एप्स के अंदर आप सेलेक्ट करें व्हाट्सएप। यहां पर आप क्लिक करें स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर दो बटन होगा क्लियर डाटा और क्लियर कैश, ये दोनों बटन आपको क्लिक करना चाहिए। ये दो बटन क्लिक करने के बाद आप वापस जाकर अपने व्हाट्सएप इंस्टॉल करें, कोई भी इश्यू नहीं होगा। बस जब इंस्टॉल करते हैं जो परमिशन देना चाहिए जैसे कि आपको फोन मैनेज करना या फाइल एक्सेस करना, ऐसी जो प्रेफरेंसेस है उसे आप अलाउ कर दीजिए। तो दोस्तों इतने स्टेप काफी है व्हाट्सएप का जो इश्यू सॉल्व करने के लिए, आप ट्राई करके देखिए। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में देखा कैसे जो व्हाट्सएप का जो इंस्टॉलेशन या प्ले स्टोर में जो एप्लीकेशन का जो इंस्टॉलेशन स्टक हो गया तो उसे कैसे सॉल्व करें। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट है तो राइट इन कमेंट सेक्शन, लाइक शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।